नमस्कार, हम कक्षा अष्टमी के विषय विज्ञान का अध्याय पढ़ रहे हैं, चौथा धातु और अधातु। धातु और अधातु के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था धातु और अधातुओं की रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए, अभी तक चार रासायनिक गुण पढ़ लिए। पहला गुण पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा अम्ल के साथ अभिक्रिया और चौथा क्षार के साथ अभिक्रिया। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है वो पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन नाम से पता चलता है विस्थापन का अर्थ क्या होता है। विस्थापन का अर्थ है जगह परिवर्तित करना। तो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, जगह परिवर्तित हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण किसके, धातु और अधातु। तो हम विस्थापन किसका करेंगे, तत्वों का विस्थापन करेंगे। अब देखिए, दो तो जोड़े में बैठेंगे और एक बैठेगा अखिल, कौन पढ़ेंगे, कौन बैठेंगे, धातु के अंदर का तत्व बैठेंगे। तो दो तो जोड़े में बैठेंगे, एक अकेला बैठेगा, जोड़े वालों को दोनों को क्या कर देगा, अलग कर देगा। जैसे एक मेज है, दो भैया बैठे और एक मेज पर अकेला भैया बैठा, उस दो मेज पर दो भैया बैठे हैं, उनको उठा करके जो अकेला बैठा है वो अपनी जगह पर बैठा देगा और जो उस अकेला बैठा था वो उनकी जगह पर बैठा देगा। तो वो कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। तो वो जिसमें एक परमाणु और एक यौगिक के भाग लेता है, परमाणु में वो यौगिक के परमाणु के स्थापन स्थान पर आ जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक परमाणु व एक यौगिक भाग लेता है, लेता है परमाणु। केवल जो परमाणु होगा वो यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देगा। परमाणु यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं चार भी कर लेता, कितने भी कर लेता, चार कर लिए, ये भी कर मान लीजिए, फर्स्ट भी कर लिए और ये दूसरा भी कर लिया, इस दूसरे भी कर दिया अंतर्गत, और ये ले लिया तीसरा भी कर, और ये ले लिया मैंने चौथा भी कर, ये चार भी कर ले लिए मैंने। क्या प्रथम बीकर के अंतर्गत मैं कॉपर सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बना लेता हूं, यानी कि जलीय विलयन तैयार कर लिया। इसी प्रकार द्वितीय जो बीकर है उस बीकर के अंतर्गत भी मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बना लिया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और प्रथम बीकर के अंतर्गत भी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बना लिया। अब हम इस कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बनाने पर ये जो दिखाई देता है, ये ब्लू मतलब ये नीले रंग का दिखाई देता है, नीला रंग, कैसा रंग होगा, नीला रंग दिखाई देता है। प्रथम जो बीकर है उसके अंतर्गत मैंने जिंक के टुकड़े डाल दिए, इस धातु के जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल दिए, ठीक ना। द्वितीय बीकर के अंतर्गत आयरन की पील डाल, आयरन धातु की पील डाल दी। अब आप थोड़ी देर बाद में, आधा घंटे के बाद में देखो, जो कॉपर सल्फेट था उस कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो अदृश्य हो जाता है और विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और कॉपर आप देखोगे यहाँ पर कुछ लाल चूर्ण जम जाता है, वो किसका जम जाता है, कॉपर का जम जाता है। ये अभिक्रिया कैसे हुई, अभिक्रिया कैसे हुई, क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में क्या डाला, जिंक धातु डाली, जिंक धातु डालने पर
क्या बन जाता है इस विलयन के अंतर्गत, इस विलयन में बन जाता है जिंक सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर क्या हो जाता है पत्तक हो जाता है। अब ये जिंक कॉपर सल्फेट का नीला रंग था, कैसा रंग था नीला रंग, ये नीला रंग क्या हो जाता है आदर्शी हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, यानी कि जिंक सल्फेट है वो जिंक सल्फेट रंगहीन होता है, और ये लाल रंग का लाल चूर्ण है कॉपर का वो नीचे जम जाता है, यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है। अब ये तो है एक परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं को क्या कहते हैं तत्व कहते हैं, और ये है कॉपर सल्फेट यौगिक। इसमें यहाँ पर दो तत्व है, एक कॉपर है एक सल्फेट है। इस यौगिक के परमाणु कौन सा कॉपर, कॉपर को विस्थापित कौन करता जिंक करता, तो क्या बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो गया पृथक हो गया अलग, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। जिंक सल्फेट बनने के कारण यह कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो जाता है आदर्शीय। इसी प्रकार द्वितीय बीकर में भी यही अभिक्रिया होती है। देखिए कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊपर करते हैं अभिक्रिया द्वितीय बीकर के अंदर तक। द्वितीय बीकर में क्या होता है, हमने क्या डाला इसके अंदर का आयरन, कौन सी धातु डाली है आयरन धातु डाली है। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe आयरन डालने पर ये तो है कॉपर सल्फेट का विलयन, सूत्र किसका है कॉपर सल्फेट, और ये जो प्रतीक है Fe वो किसका है आयरन का प्रतीक है, तो द्वितीय विलयन के अंदर ये भी नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या बन जाता है FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, यानी कि ये क्या बन गया फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट बनने के कारण ही कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो आदर्शी हो जाता है, और फेरस सल्फेट रंगहीन बन जाता है। ये तो हो गई दोनों के अंतर्गत अभिक्रिया, हमने जब परीक्षण किया तो ये अभिक्रिया होती है। अब मैं इसके अंदर क्या ले लूं, अब मैंने इसके अंदर ले लिया जिंक सल्फेट, क्या ले लिया जिंक सल्फेट ले लिया, और इसके अंदर कब ले लिया मैंने क्या ले लिया फेरस सल्फेट, ये ले लिया फेरस सल्फेट FeSO4 ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर डाल दिया कॉपर धातु की टुकड़े, इसमें भी क्या डाल दिया कॉपर धातु के टुकड़े डाल दिए, कॉपर धातु के टुकड़े डाल दिए, और थोड़ी देर में बाद में देखता हूँ इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्यों नहीं होता है, यहाँ पर क्या है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर के अंतर्गत कॉपर का क्या डाला हमने धातु के टुकड़े, और विलयन किसका जिंक सल्फेट और कॉपर धातु के टुकड़े डाले, तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कारण क्या है, तो आइए हम कारण जानते हैं, यही जानना है हमें यहाँ कारण कि ये अभिक्रिया क्यों नहीं हुई और ये हो गई। तो यहाँ देखिए ध्यान रहे कि जो ये जिंक है कॉपर सल्फेट में, जिंक और आयरन है वो दोनों ही कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु हैं, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर सकती है, जबकि यहाँ पर कॉपर है वो जिंक से क्या है कम क्रियाशील है, इसलिए कम क्रियाशील धातु होते हैं वो अधिक क्रियाशील धातु से उसके परमाणु को विस्थापित तब नहीं कर सकती है। तो यहाँ हमें चार धातु क्रम याद होना चाहिए कि कौन कौन सी धातु है वो अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और तक दिखा देता हूँ, सबसे अधिक इनमें से क्रियाशील है जिंक, जिंक के बाद में अधिक क्रियाशील है आयरन, आयरन के बाद में अधिक क्रियाशील है पीबी लेड, इसके बाद अधिक क्रियाशील है कॉपर, कॉपर के बाद में अधिक क्रियाशील है वो है मरकरी। मरकरी सबसे क्रियाशील, कम क्रियाशील कौन सी है मरकरी, और इन धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है जिंक। अब एक शब्द में नाम याद कैसे रखें इन सबको, कहते हैं इसको जिपेलेकॉम, क्या कहेंगे जिपेलेकॉम, ये सब याद रख लेना। जी का अर्थ हो गया जिंक जो सबसे अधिक क्रियाशील है, फे का अर्थ हो गया फेरम जिंक से कम क्रियाशील है, लेकिन लेड और कॉपर मरकरी से अधिक क्या है क्रियाशील, और लेड ये होगी लेड और को का अर्थ हो गया कॉपर, फेरम का अर्थ हो गया मरकरी। यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको
एक जोड़। अब ये जिंक है, ये जिंक कॉपर से क्या है, अतिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। परंतु यहाँ जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर की अभिक्रिया कराते हैं, तो जिंक है वो जिंक सल्फेट में अतिक्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित तो नहीं कर सकता है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये तो हमें धातुओं का क्रम ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना अतिक्रियाशील यहां पर जिंक व आयरन कॉपर से अतिक्रियाशील, कॉपर से अतिक्रियाशील। एक अतिक्रियाशील धातु, एक अतिक्रियाशील धातु क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के विलयन से, कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है। कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। परंतु अधिक कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित तो नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। यह बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसमें अभिक्रिया क्यों हुई, कारण क्या है, कारण सहित कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, इतना हमें ध्यान रखना। आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक है धातु और अधातुओं के उपयोग। तो धातुओं के उपयोग पहला पढ़ लेते हैं, का छोटा सा टॉपिक है धातुओं के उपयोग। अगला जो टॉपिक है वो यही है कि धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातु कौन कौन सी है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब हम चारों दौड़ाते कौन सी धातु है, इनका उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखनी, इनका उपयोग मशीनों बनाने में करते हैं, इनका उपयोग मशीनों के निर्माण में, मशीनें बनाने में, बड़ी बड़ी जितने भी मशीनें बनी होती हैं वो किसकी बनी होती है, लोहे की, धातुओं की। और इसके अलावा वायुयान बनाने, वायुयान बनाने में, और क्या बनाने में, खाना पकाने के बर्तन जितने भी होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, धातुओं की। खाना पकाने वाले बर्तन बनाने, खाना पकाने वाले बर्तन बनाने, बर्तन बनाने में, और औद्योगिक साज सज्जा सामान बनाने के अंतर्गत औद्योगिक साज सज्जा के निर्माण, औद्योगिक साज सज्जा निर्माण, साज सज्जा सामग्री के निर्माण, सामग्री के निर्माण, सभी हम किसका उपयोग करते हैं, धातु। और भी बहुत सारे हैं, दो तीन तो आप ही उदाहरण लिख सकते हो कि हम धातुओं का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ धातु हैं। जैसे आजकल छप्पर बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, धातुओं के अंतर्गत, धातुओं के बड़े बड़े क्या आते हैं, चादरें आती हैं,
उनको क्या कहते हैं पत्र, उनके के द्वारा भी आजकल किसका निर्माण किया जाता है, छपरे बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं अधातु के उपयोग कहाँ किया जाता है, अधातुओं का उपयोग। अधातु में बहुत ही कम लोगों को पता है कि हम शोषण क्रिया के अंतर्गत अधातु का उपयोग करते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। तो अधातु के उपयोग, अधातुओं के उपयोग, पहला काम गया श्वसन क्रिया में अंदर लेना। श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है? अधातु। तो श्वसन क्रिया में अधातु का उपयोग हो गया। दूसरा, पूर्वकों के निर्माण में जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर भी किसका उपयोग किया जाता है? अधातुओं का उपयोग किया जाता है। उर्वरक कौन से किसके बनाते हैं? मुख्य उर्वरक आपको पता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कौन से होते हैं? अधातु ही होते हैं और इनका उपयोग कौन करता है? उर्वरकों के निर्माण है। अगला चौथा, एंटीबायोटिक के निर्माण में, एंटीबायोटिक दवाइयों के निर्माण में जिनका उपयोग कहाँ करते हैं? दवा को भरने में। एंटीबायोटिक दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में जिनका उपयोग दवा को भरने में किया जाता है, जिनका उपयोग इसका उपयोग घावों को भरने में किया जाता है, घावों को भरने में किया जाता है। वहां पर भी किसका उपयोग करते हैं? अधातु का। पांचवा, और इसका उपयोग करते हैं अधातुओं का, कहां उपयोग करते हैं? और इन अधातुओं श्वसन क्रिया में, उर्वरकों के निर्माण में, एंटीबायोटिक दवाइयों की निर्माण में जिसका उपयोग हवाओं को भरने में किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा दीपावली के दिन हम फटाखे छोड़ते हैं ना, तो फटाखे के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? अधातुओं को, फटाखों के निर्माण के अंतर्गत भी अधातुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये हुए धातु और अधातु के उपयोग। पहले पढ़ लिया विस्थापन अभिक्रिया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। वेरी गुड।